तबीयत खराब होने के चलते मुरादाबाद नहीं पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। मुरादाबाद के रामलीला ग्राउंड में होना था कांग्रेस का प्रतिज्ञा सम्मेलन कार्यक्रम। मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर समेत 12 जिलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हुए थे शामिल। कार्यकर्ताओं में प्रियंका के न पहुंचने पर छाई निराशा। मुरादाबाद में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने जीत की भरी हुंकार। कहा, आगे बढ़ चुका है प्रियंका गांधी का काफिला, अब रुकने वाला नहीं। जनता महंगाई की मार से परेशान, अब चाहती है बदलाव। दिल्ली में भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा, उनके साथ कोई जाना ही नहीं चाहता तो अकेले चुनाव लड़ने की कांग्रेस की है मजबूरी। भाजपा सांसद ने कहा, कांग्रेस के पास ना कोई वोट है ना आधार। कहा, कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय से ऊपर सोच नहीं पा रही है, यही कारण है कि वो सिमट गई है। बोले, अखिलेश और जयंत के गठबंधन ऐलान के बाद सीटों को लेकर होगी लड़ाई। 17 नवंबर को यूपी बीजेपी की नवगठित इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी की होगी पहली बैठक। बुधवार को लखनऊ में होने वाली बैठक में शामिल होंगे घोषणा पत्र समिति के सभी 9 सदस्य। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को बनाया गया है समिति का अध्यक्ष। प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, 6 सांसद और पार्टी के पदाधिकारी बनाए गए हैं समिति के सदस्य। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी की तेज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रवाना किए 2 जागरूकता रथ। कुमायूं गढ़वाल में रथ चलाएंगे जागरूकता अभियान। जल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश हुए आजम खान। कोर्ट ने आजम खान को दी चार्जशीट की कॉपी। जालसाजी आपराधिक साजिश की धाराओं में दाखिल हुई थी चार्जशीट। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। लखीमपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। यूपी सरकार ने कहा, जिस भी जज की नियुक्ति होगी होगी स्वीकार्य। अब बुधवार को होगी मामले की अगली सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट पहुंचे चमोली। स्वाट गांव से सैन्य सम्मान यात्रा की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कर रहे हैं कार्यक्रम में शिरकत। सैनिक स्मृति म्यूजियम का करेंगे शुभारंभ। देहरादून में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी सड़क पर उतरे। एनएमओपीएस के बैनर तले कर्मचारी पहुंचे सचिवालय। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई अधिकारियों से हो चुकी है कई दौर की बात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लेटर हेड लेकर एडमिशन कराने एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय पहुंची छात्रा पर दर्ज हुई एफआईआर। कुलपति ने शक होने पर लेटर की डिप्टी सीएम कार्यालय फोन कर कराई जांच तो मामले का हुआ खुलासा। फर्जी लेटर लेकर एडमिशन कराने पहुंची छात्रा की साजिश हुई बेनकाब। हाथरस में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को हिंदुस्तान की वैचारिक क्रांति बताया। साथ ही सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी का गारंटी कानून बनाने की मांगों को दोहराया है।